नमस्कार दोस्तों, नोकिया 3.1 प्लस का आज मैं करने जा रहा हूँ 1 मंथ रिव्यू, और साथ ही मैं करूँगा इसका पबजी टेस्ट, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स की ये एक रिक्वेस्ट थी कि आप पबजी का रिव्यू करिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ एंड कंपेरिजन्स। तो दोस्तों, अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो ये 5.9 इंच की है, HD प्लस स्क्रीन है, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आती है, लेकिन थोड़ी सी वार्म टोन है जिसके कारण कलर्स थोड़े से वॉश आउट से लगते हैं, अदरवाइज़ जो टच सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी है इस स्क्रीन की। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस फ़ोन की, एंड्रॉयड 1 के साथ ये आता है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टर्डी लुक है इस फ़ोन की, और इस प्राइस कैटेगरी में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आता है। तो दोस्तों, नीचे की तरफ इसके माइक और स्पीकर ग्रिल हैं, और ऊपर 3.5 mm ऑडियो जैक विद सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक है। वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन राइट साइड पे हैं। दोस्तों, एक और गुड थिंग अबाउट दिस फ़ोन इज़ कि ये ट्रिपल सिम स्लॉट फ़ोन है, यानी कि आप 2 SIM और 1 microSD कार्ड इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट गुड थिंग अबाउट दिस फ़ोन इज़ कि ये एंड्रॉयड 1 के अंडर आता है, और आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा। तो जो करंट एंड्रॉयड वर्जन है वो है 8.1.0, और जो सिक्योरिटी पैच है वो है अगस्त 2018 का, तो ये जल्दी अपडेट होगा और नया आपको सिक्योरिटी पैच इसमें मिल जाएगा। अभी मैं चेक कर लेता हूँ अगर अपडेट आया है तो ये दिखा रहा है सिस्टम इज़ अपडेटेड, तो अभी ऐसा अपडेट नहीं आया है। तो स्टॉक एंड्रॉयड अगर आपको चाहिए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है इस प्राइस कैटेगरी में। तो दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा हीलियो A22 चिपसेट, जो कि ऑक्टाकोर चिपसेट है, और इसके अंदर जो GPU यूज़ किया गया है वो है पावर VR GE8320। तो ये एक डिसेंट सा हार्डवेयर है, कोई हाईफाई हार्डवेयर नहीं है। स्क्रीन की बात करें तो 5.9 इंच की स्क्रीन है, HD प्लस रेजोल्यूशन है, और 3 GB रैम में से 1 GB रैम आपको फ्री मिलती है। तो सिस्टम की कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये बैटरी लाइफ जो लिथियम आयन बैटरी यूज़ की गई है इस फ़ोन के अंदर, और दोस्तों ऑलमोस्ट सारे ही सेंसर इसमें आपको मिल जाएंगे एक्सेप्ट प्रॉक्सिमिटी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट में ये हार्डवेयर जस्टिफाई नहीं करता है। दोस्तों, हैवी यूसेज और मल्टीटास्किंग के लिए ये फ़ोन नहीं है, और डे टू डे अगर आपका नॉर्मल यूसेज है तो ये फ़ोन आपके लिए सफिशेंट है। इसकी दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। दोस्तों, अगर कैमरास की बात करूं तो वो डिसेंट कैमरास हैं, 13+5 MP का डुअल कैमरा है और 8 MP का फ्रंट शूटर है, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे कैमरास हैं, और कैमरा रिव्यू मैं आपके लिए इन डेप्थ लेके आऊँगा बाद में। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसका पबजी टेस्ट। तो पहले हम इसकी सेटिंग्स में देखते हैं, ग्राफिक सेटिंग्स में क्या क्या सपोर्ट करता है। तो बैलेंस भी आप कर सकते हैं उसके अंदर ग्राफिक्स को सेट, HD को सपोर्ट नहीं करता है, और दोस्तों फ्रेम रेट भी जो है वो है लो और मीडियम, हाई फ्रेम रेट आप नहीं यहाँ पे दिया गया है। तो मैं स्मूथ के ऊपर मीडियम फ्रेम रेट पे खेल के देखता हूँ कैसी है ये गेम प्ले इसका। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो टच सेंसिटिविटी है वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, इतनी स्मूथ नहीं है गेम प्ले, लेकिन जो स्क्रीन है टच सेंसिटिविटी वो इसकी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, पावर VR जो है इसका GPU इतना अच्छा नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लैग होना शुरू हो चुका है। कंट्रोल जो है दोस्तों वो काफ़ी स्मूथ हैं, क्योंकि टच सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, तो दोस्तों हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, वो मुझे एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ग्लिच हुआ है। और 11
1500 प्राइस पॉइंट पे अगर ये गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो आई वॉन्ट रिकमेंड। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे खेलने में। पहले मुझे लगा था कि शायद ये नेटवर्क एरर है, लेकिन मैंने दोबारा इसे चलाकर देखा था वाईफाई के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा से आई। तो दिक्कत ये है कि दोस्तों आई थिंक इसका जीपीयू इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, रेंडर नहीं कर पा रहा है गेम को, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक एंड्रॉयड वन फ़ोन चाहिए आपको, जिसमें एंड्रॉयड अपडेट रेगुलरली आपको मिलते रहें, डिसेंट कैमरा हो, अच्छी बैटरी लाइफ हो, और नॉर्मल डे टू डे अगर आप चाहते हो कि आपके काम हो, तो उसके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली आप गेमिंग के लिए इस फ़ोन को देख रहे हो तो आई वॉन्ट रिकमेंड दिस फ़ोन। तो पबजी के लिए तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्लिच इस फ़ोन के अंदर है, तो पीछे पूरा का पूरा फ्रेम ही ड्रॉप हो गया। तो दोस्तों वीडियो से काफ़ी क्लियर है ये। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल पे, और साथ ही दबाइए बेल बटन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।